तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन डाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है। उसी क्रम में प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर छात्र इंतजार में रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो खुशखबरी है यूपी डबल एससी छात्रों के लिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे बड़ी जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि लगातार परीक्षा में सॉल्वर और धांधली गैंग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में आगे की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी डबल एससी की बहुत सारी भर्तियों के परिणाम अभी भी लटके हुए हैं, ऐसे में हाल ही में उनकी तरफ से बहुत सारे परिणाम जारी भी किए गए हैं। उसी क्रम में आज की तारीख में यूपी डबल एससी की तरफ से एक और परिणाम जारी कर दिया गया, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें 17 अगस्त 2021 आज की तारीख में जारी किया गया है, तो मतलब आप सभी यहाँ पे देख पाए, वैसे तो आज 18 तारीख है लेकिन जारी आज ही हुआ है। अबकारी सिपाही भर्ती की बात की जाती है, जिसके अंदर आप सभी को टोटल पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या और भी तमाम जानकारियां दी जाती हैं। तो परिणाम के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी है। जैसा कि आप सभी देखें, 17 अगस्त 2021 को यहाँ पे कट ऑफ जारी की जाती है। यूपी डब्ल्यू एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। अन्य सब के लिए आप सभी की अगर बात करें, इंटरव्यू की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी की स्वतंत्रता सेनानी के लिए, उसकी भी कट ऑफ यहाँ पे जारी हो गई है। तो जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, जो भी चयनित हुए, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल यूपी डबल एस सी की तरफ से काफी लंबे समय के बाद में अबकारी सिपाही भर्ती का यहाँ पे अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में खुशखबरी उन सभी यूपी डबल एस सी के छात्रों के लिए जो काफी लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में कट ऑफ भी जारी हो गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी 2021 को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। लगातार परीक्षा के अंदर हो रही धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में जाने की तैयारी की गई है। उसी क्रम में बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इसकी जो याचिका है वो 21 तारीख को डाली जाएगी, मतलब कि 21 को। उसी क्रम में अगर हम बात करें इसकी पहली सुनवाई के बारे में, तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 24 या 25 तारीख को आपकी पहली सुनवाई टीजीटी पीजीटी परीक्षा को रद्द कराने के लिए, मतलब इसकी जांच कराने के लिए, क्योंकि याचिका के अंदर छात्रों की तरफ से मांग की जाएगी परीक्षा केंद्रों पर जहां पे विवाद हुआ है, उन गिने चुने परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगवा कर यहां पे जांच की जाए, और जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाएं पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में टांडा के अंदर 650 से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया था, उस मुद्दे की भी जांच होनी चाहिए। आखिर इसमें ऐसा क्या देखने के लिए मिला जिसकी वजह से अभ्यर्थी ने यह परीक्षा को केंद्रों को छोड़ दिया, मतलब केंद्र पर जाकर परीक्षा ही छोड़ दी। और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा एक और देखने के लिए मिलता है पेपर आउट को लेकर। इन तमाम जांच के साथ साथ भर्ती के अंदर अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा से आयोजित कराए जाने की मांग भी की जाएगी। उसी को लेकर कोर्ट में 21 तारीख को इसकी जो याचिका है वो डाली जाएगी। 22 तारीख को छुट्टी होने के चलते जानकारी मिल रही है कि 24 और 25 को इसकी पहली सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। अब ऐसे में टीजीटी की भी परीक्षा हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीजीटी की परीक्षा भी हो चुकी है। अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को किस प्रकार देखा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मामले कोर्ट में गए हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से परीक्षा रद्द या फिर जांच को लेकर अगर आदेशित कर दिया जाता है तो यहां से भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ऐसा हमने देखा है टीजीटी परीक्षा के अंदर कई जगहों पर सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, धांधली देखने के लिए मिल रही है, लेकिन चयन बोर्ड इस बात को अभी तक कंसीडर नहीं कर रहा है। तो बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है परीक्षा रद्द को लेकर। होने वाली सुनवाई 24 या 25 को आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी जैसे ही कोई और भी ऑथेंटिक अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।